राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एकदम। तो जी, देवठान के ये शाम का व्लॉग है मेरा, क्योंकि मैंने जब बोला था ना आप लोगों से कि शाम को पूजा का व्लॉग दिखाऊंगी, लेकिन फिर व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा छोटा करने की वजह से उसको दो भागों में कर दिया। तो ये उसका सेकेंड पार्ट है। तो यहाँ पर ना अब पूजा की तैयारी करेंगे हम लोग। ये देवठान मेरे बन के पूरे तैयार हो गए थे, मैंने आप सबको दिखाया ही था। तो यहाँ पर ना अब शाम की टाइम हो गया था पूजा का, तो अब मैं कर रही हूँ यहाँ पर पूजा की तैयारी। जो भी कुछ पूजा में लगता है वो मैंने सब कुछ यहाँ पर रख लिया है, जैसे कि मूली, बैंगन, शक्लगंधी, शलजम, वो सॉरी शक्लगंधी और वो क्या बोलते हैं उसको, सिंगाड़े और गन्ना, मतलब बहुत कुछ रखा जाता है। जो जो हम पे अवेलेबल हो पाया था पास में, तो बस वो सब मैंने मंगा लिया था, तो वो सब लगा दिया यहाँ पर। और यहाँ पर ना मैं दीपक जला रही हूँ, और आज का टास्क है मेरा दीपक का कि एक माचिस की तीली से 7 दीपक जलाना। तो मैंने पूरे 7 दीपक जला दिए थे एक ही तीली से, तो मेरा टास्क कंप्लीट हो गया था। और यहाँ पर भोग रख दिया है मैंने साइड में बनाकर, क्योंकि पूजा जो है ना इसकी वो माँ जी ही करती हैं, मैं नहीं करती हूँ। बस यहाँ पर धूप बत्ती और लगा दूँगी, और बाकी फिर मैं अपने घर की पूजा कर लूँगी। जब माँ जी आ जाएंगी तो वही पूजा करेंगी। और इस वक्त ना करीबन शाम के 6 बज रहे थे, और यहाँ की पूजा टाइम पे होती है, ज़्यादा रात में नहीं करते। देवठान की जो पूजा होती है वो दोनों टाइम मिले ही करनी चाहिए, मतलब जब शाम और सुबह, शाम का और रात का जो टाइम होता है दोनों टाइम का मिलना, तो उसी वक्त की जाती है। और ज़्यादा रात में नहीं करते हैं, ना ही दिन में करते हैं। तो बस वो शाम का टाइम हो गया था, तो मैंने अपने घर पे भी दिया बत्ती की भी तैयारी शुरू कर दी थी, और यहाँ की पूजा की पूरी तैयारी मैंने करके रख दी थी। और पूजा को माँ जी करेंगी, तो यहाँ पर माँ जी आ चुकी थी, तो वो कर रही हैं पूजा। तो मैंने खाने में ना भोग के लिए अठावरी सेकी थी। अठावरी ना बहुत से लोग नहीं जानते हैं, मैं बता दूँ, हमारे यहाँ 8 पूड़ी से जो पूजा की जाती है, भोग लगाया जाता है, उसको अठावरी बोलते हैं। तो यहाँ पर 8 पूड़ी और बूरा और दूध वाली जो सिमई होती हैं वो सब मैंने बनाकर रख दिया था। तो माँ जी सबकी भोग लगा रही हैं और पूजा करेंगी, और उसके बाद फिर करेंगी आरती। तो इस तरह से हमारे यहाँ पूजा होती है देवठान की शाम के टाइम पे। और आप सब के यहाँ कैसे होती है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बस मैंने कोशिश की थी कि आप लोगों को पूजा दिखा सकूँ। तो यहाँ पर ना माँ जी आरती कर रही हैं, देवठान मतलब हरि भगवान की, जो नारायण जी होते हैं उनकी पूजा कर रहे हैं, नारायण भगवान की। तो यहाँ पर माँ जी ने अपनी आरती कर ली थी, और उसके बाद ना ये जो सारे दीपक और ये सब कुछ होते हैं ना, तो इन सबको कर देंगी माँ जी एक पास में, और ये सारे दीपक बिल्कुल ढके जाते हैं, उसके बाद आरती होती है, मतलब पूजा होती है पूरी। जो फाइनल पूजा होती है वो इस तरह से होती है, इसको ना छटनिया से ढकते हैं, जो जाली होती है स्टील की, चलनी बोल सकते हैं आप उसे, तो बस उससे ढक देंगी सारे दीपकों को, और फिर उस तरीके से मतलब उसमें कुछ मार कर और आवाज़ करती हैं और कुछ बोलती हैं, मुझे नहीं पता वो क्या बोलती हैं, जो भी बोलती होंगी वही बोलती हैं। तो ये सब जब माँ जी कर रही थी ना, तो हमारा ओम बार बार पूछ रहा था, माँ जी आप तबला क्यों बजा रही हो, दादी आप तबला क्यों बजा रही हो। तो मैं उससे बोल रही थी कि मत बोल, बाद में पूछ लेना जो भी पूछना है। पूजा कर लेने दो दादी को, बाद में अपने सवाल पूछ लेना। तो जी ओम पूछ रहे हैं, दादी आप तबला क्यों बजा रही हो। तो मैंने कहा बाद में पूछ लेना सवाल, पूजा कर लेने से पहले। तो जी पूजा हो गई है हमारी, और अब हम किचन में बाकी काम करेंगे। और आज लाइट कैसे आ रही है ऐसे फेस पे? हाँ, आज ना माँ जी दे रही हैं 365 दीपक का जो दीपदान देते हैं वो, तो वो मैंने बनाकर यहाँ तैयार कर दिए हैं, अभी आपको दिखाती हूँ। 365 बाती का जो दीपदान देते हैं ना, तो वो आज माँ जी दे रही हैं, तो बस उसके लिए मैंने दीपक तैयार कर दिए हैं। माँ जी अब दीपक जलाकर आएंगे, उसके बाद फिर बाकी पूजा करेंगे, मंदिर पे पूजा करने जाएंगी, अभी मंदिर पे पूजा नहीं हुई है, और ओम के सवालों का जवाब देंगी। थोड़ी सी वीडियो बनाने दो, बाद में बनाने दूंगी, पहले दादी दीपक दीप दान देंगी ना, तो उसकी वीडियो बना लेने दो मुझे। तो यहाँ पर ना माँ जी अपना तुलसा जी को दीपदान दे रही हैं। पहला दीपक जो है एकादशी वाले दिन तुलसा जी के लिए ही दिया जाता है, तो बस यहाँ पर दे रही हैं माँ जी तुलसा जी को दीपदान। तो इस वक्त ना करीबन 6:30 का टाइम हो रहा था, तो इस समय ही बस दिया जाता है, तो वही कर रही थी माँ जी। और मैंने ना तुलसा जी में जो दीपक जलाया था वो बाती नीचे गिर गई थी, तो वो भी बुझ गया था, तो उसे भी जला के रख रही हैं, क्योंकि वो बाती ना लुढ़क गई है शायद, मैंने घी ज़्यादा ही भर दिया था उसमें दीपक में, मैंने कहा ज़्यादा देर तक जलता रहेगा, इसलिए वो थोड़ा टेढ़ी हो गई बाती, तो वो दीपक बुझ गया था, तो उसे भी जला दिया माँ जी ने। और यहाँ पर अब करेंगी माँ जी तुलसा जी की आरती, क्योंकि
तुलसा जी के लिए दीपोदान हो रहा है, तो फिर तुलसा जी की आरती तो करनी ही चाहिए। तो यहाँ पर माँ जी कर रही हैं तुलसा जी की आरती, और मुझे अच्छे से याद थी आरती, आरती माँ जी को भी याद थी, तो बस हम दोनों कर रहे हैं यहाँ पर आरती। और इस तरह से हम यहाँ पर दीपदान देंगे। उधर ओम शोर मचा रहे थे मम्मी आज ना, अब आगे जो ब्लॉग है वो मैं बनाऊंगा, मुझे बात करने देना व्यूवर्स से अपने से। मैंने कहा ठीक है आप ही बना लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तो मुझसे भी अच्छा ब्लॉगिंग करते हो। तो बस यहाँ पर आरती होने के बाद और बाकी जो आगे की क्लिप है ना वो ओम बना रहे हैं, और बहुत ही अच्छे से बोलते हैं वो, मतलब मुझे उनसे सीखने की ज़रूरत है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि ब्लॉगिंग तो ओम से सीखनी चाहिए, बहुत ही अच्छे से बात करता है। और काफ़ी तो मतलब टिप्स वगैरह मैं डालती हूँ ना, तो वो मेरे से देख देख कर वो खुद भी बनाता है। उसने एक बहुत अच्छी सी टिप बनाई है और मैं आगे ना आपके साथ शेयर करूँगी। और मैंने उसको उसमें कुछ भी नहीं सिखाया, उसने खुद से किया है जो भी किया है। तो बस यहाँ पर आरती हो गई थी और ओम की दादी कर रहे हैं, ले रहे हैं आरती। तो बस अब हम लोग चलते हैं अंदर और ओम की व्लॉगिंग दिखाते हैं। तो गाइस आज हम करने वाले हैं भगवान जी की पूजा। ठीक है तो गाइस आज आपको ना मेरा चैनल अच्छा लगा तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना और अब और बेल बजा देना। तो गाइस तो आज बनने वाले पूजा और कौन सा लगा, तो गाइस देख सकते हैं पूजा हो रही है, आपको आज हम मुझे दिखा देंगे, देखिए हम पूजा हो रही है, ये अच्छे से आटा हो रही है ना। चलते हैं तो गाइस चलिए चलते हैं, आइए और जी माँ जी ले जा रही हैं ये दूसरा दीपक भोले बाबा के मंदिर में जलाने के लिए, ये वाला। तो गाइस ये देखिए कितना मस्त कोकोनट का दीपक बनाया है, एकदम मस्त का, देखिए चावल नीचे है ऊपर ये डाल रखा है, कितना मस्त दीपक है ना। हाँ। देख लो हमारी दादी भी एकदम कितना बोलता है ये लड़का। जल्दी आइए गाइस। ओके बाय, कैमरामैन यहीं पर है, मैं नहीं आ सकती बेटा। तो जी माँ जी चली गई हैं पूजा करने मंदिर पर, और हमारी घर पर भी पूजा हो गई है। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो का एंड करूंगी और मिलूंगी आपको अपनी अगली वीडियो में। तो आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो का एंड करती हूँ, मिलूंगी आपको अपनी अगली वीडियो में। बाय बाय, राधे राधे सभी को। मम्मी सुनो दादी का है, दादी मंदिर पर आपके सामने नहीं, अब मजा ना बेटा, अंधेरा है वहाँ पे, मच्छर बहुत हो रहे हैं। ठीक है ठीक है।